आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है यदि एक घड़ी प्रतिदिन पांच मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाती है बस इसी को परसेंट में कन्वर्ट करने बोला गया है तो देखिए क्वेश्चन को समझिए एक घड़ी जो है प्रतिदिन मतलब हर दिन एक दिन में पांच मिनट तेज हो जाता है तो एक में दिन दिया गया है ठीक है और कितना दिन है प्रतिदिन मतलब एक दिन तो एक दिन में कितना मिनट होता है हम लोग को पता रहना चाहिए ठीक है अब मिनट में क्यों क्योंकि यहां पे पांच मिनट है ठीक है और तेज कितना हो रहा है पांच मिनट तो दिन को भी हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक दिन में हम लोग को तो पता है चौबीस घंटा होता है ठीक है एक दिन में कितना होता है चौबीस घंटा होता है अब घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देना होता है ठीक है तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल क्या बन गया ये मिनट हो गया या तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए लिख दीजिए या फिर ऐसे ही लिखन रहने दीजिए ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इतना क्या हो गया इतना मिनट हो गया इतना समझ में आया एक दिन में टोटल इतना मिनट हो जाएगा अब बोल रहा है पांच मिनट तेज हो जाता है तो पांच मिनट तेज हो रहा है कब एक दिन में मतलब कि इतना मिनट में इतना मिनट में पांच मिनट तेज हो जा रहा है तो टोटल को नीचे में लिखना है और उसमें पांच मिनट को ऊपर में लिखना है ये बन गया फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो फाइव का टेबल में इसको काटिए फाइव पंच फाइव वन बच गया फाइव टू या टेन अब फोर का टेबल में थ्री बार में फोर का टेबल में ये ट्वेंटी फाइव बार में और ये कटने वाला नहीं है तो बचा कितना हम लोग का तो ट्वेंटी फाइव बचा और नीचे में बचा ट्वेंटी फोर इंटू थ्री फोर इंटू थ्री करेंगे तो हम हम लोग लोग का का होगा 72, मतलब ये आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है 1 by 2 को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे मतलब इसको दशमलव की तरह अभिव्यक्त करना है क्लियर तो वन बाई टू है परसेंट है क्लियर तो जब भी परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में हंड्रेड आ जाता है मल्टीप्लाई में ठीक है नीचे में मल्टीप्लाई हं, करके हंड्रेड लिख देना है परसेंट हट जाता है अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू हंड्रेड हो जाएगा टू हंड्रेड अब इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कहने का मतलब है ये कि थाउजेंड हो जाए हंड्रेड हो जाए ठीक है वन लेख हो जाए इस टाइप में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो टू हंड्रेड को देखेंगे फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थाउजेंड हो जाएगा क्लियर तो इसको भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फाइव वन जाओ कितना हो जाएगा फाइव अब टू हंड्रेड इंटू फाइव करेंगे तो थाउजेंड हो जाएगा अब इसे इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान रह जाता है फाइव लिख देंगे और नीचे में देखिए एक दो तीन को जीरो है तो तीन को डिजिट के इधर पॉइंट देना है तो एक डिजिट है ही दो तीन डिजिट हो गया इसको पॉइंट दे देना है अब पॉइंट को अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे एक जीरो दे, दे देंगे क्लियर है नीचे में देखिए एक दो तीन जीरो है तो तीन डिजिट के इधर पॉइंट तो एक दो तीन डिजिट हो गया यहाँ पे पॉइंट दे दिए तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री देखिए इसमें दिया गया है किसी संख्या के बीस प्रतिशत को बीस में जोड़ दिया जाता है तो किसी संख्या तो संख्या को हम लोग एक्स मान लेंगे संख्या के बीस परसेंट तो संख्या के बीस परसेंट को बीस में जोड़ दिया जाता है तो क्या करेंगे बीस में जोड़ दिया जाता है तो वह वही संख्या बन जाती है कितना बन जाती है वही संख्या तो संख्या हम लोग क्या माने थे एक्स तो बन जाती है कितना वही संख्या बन जाती है मतलब एक्स ही बन जाता है तो संख्या क्या है तो संख्या हम लोग एक्स माने तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो बस इसको सिंपल वे में सॉल्व कर देना है तो एक्स के मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी बाय हंड्रेड हो जाएगा ये परसेंट को हटाएंगे तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा ट्वेंटी एक्स डिवाइड में हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो और आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम हम लोग का हंड्रेड आ जाएगा अब क्या हो जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस हंड्रेड इंटू ट्वेंटी हो जाएगा टू थाउजेंड इज इक्वल टू एक्स अब हो जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस टू थाउजेंड इज इक्वल टू इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हंड्रेड एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से अब एक्स वाले को एक साइड कर देते हैं तो इधर टू थाउजेंड रहने दे देते हैं इधर हंड्रेड एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस ट्वेंटी एक्स हो जाएगा अब हो जाएगा टू थाउजेंड इज इक्वल टू एट्टी एक्स अब हो जाएगा टू टू थाउजेंड ये डिवाइड में आ जाएगा एट्टी इज इक्वल टू एक्स तो अब डिवाइड करने से हम लोग का एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा देखिए एट का टेबल में एट फोर का टेबल में काट लीजिए फोर टू जाए एट फोर फाइव जाए ट्वेंटी एक जीरो फिर टू का टेबल में ये ट्वेंटी फाइव बार में तो ट्वेंटी फाइव हम लोग का एक्स का वैल्यू आ गया और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर देखिए इसमें दिया गया थ्री बाई फोर के कितने प्रतिशत का मान सेवन बाई एट होगा तो थ्री बाई फोर के कितने प्रतिशत का मान सेवन बाई एट होगा ये हम लोग को पूछा गया है तो हम लिख लेंगे थ्री बाई फोर के कितने प्रतिशत है तो हम मान लेंगे कि x प्रतिशत का मान जो है सेवन बाई एट हो जाएगा क्लियर है जैसा एक क्वेश्चन में बोला गया थ्री बाई फोर के कितने प्रतिशत का मान इतना होगा तो कितने प्रतिशत की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा सेवन बाई एट अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं अब हो जाएगा हम लोग का थ्री बाई फोर के मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स बाई हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन बाई एट अब एक्स को इधर रहने देते हैं बाकी सबको इक्वल टू के उस पार कर देते हैं तो ये फोर हो जाएगा ऊपर में और हंड्रेड भी ऊपर में मल्टीप्लाई में चल जाएगा और नीचे में आ जाएगा ये थ्री अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो कैलकुलेशन कर लेते हैं फोर का टेबल में ये टू बार में टू का टेबल में ये टू फाइव ज टेन एक जीरो अब क्या होगी हम लोग का एक्स इज इक्वल टू फाइव सेवन जर्टी फाइव एक जीरो है तो जीरो बाई थ्री अब हो जाएगा एक्स इज इस इक्वल टू इसे डिवाइड कर देंगे थ्री का टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स ऐसे आते जाएगा तो इसको हम लोग राउंड फिगर में अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक सौ सोलह ठीक है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 देखिए और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 88 के जैसे सॉल्व होगा तो क्वेश्चन नंबर 88 मैंने सॉल्व कराया हुआ है ठीक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे छह लीटर चीनी के बिलियन जिसमें चार चीनी है तो छह लीटर विलियन है ठीक है जिसमें चीनी कितना है तो चीनी दिया गया चार मतलब उस टाइप से ही ये रिलेट कर रहा है उससे थोड़ा सा ये जस्ट अलग हो जाएगा एकदम थोड़ा सा माइनर में अलग है मतलब वही टाइप का है और ये दूसरा टाइप है उसी टाइप का तो देखिए छः लीटर चीनी के विलियन में ए, चीनी के विलियन में चार परसेंट चीनी है तो छः लीटर विलियन में चार परसेंट चीनी है तो इसका चार परसेंट निकाल लीजिए तो छः का चार परसेंट हम लोग निकालेंगे तो छः चौके चौबीस बटे में सौ इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर तो कितना चीनी हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर लीटर ये लीटर में है तो इसीलिए ये लीटर इतना लीटर चीनी है में से एक लीटर पानी वाष्पित किया जाता है तो इसमें से क्या हो रहा है वाष्पित कर रहा है एक लीटर पानी तो वाष्पित करना मतलब क्या है घट रहा है एक लीटर पानी घट रहा है तो टोटल में से एक लीटर अगर घट जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा हम लोग का बचेगा कितना पाँच लीटर ये टोटल पाँच लीटर बचा तो शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी तो शेष कितना बचा पाँच लीटर बचा शेष हम लोग का पाँच लीटर बचा उसमें से चीनी का परसेंट पूछा गया है तो हम लोग को ईजिली निकाल सकते हैं सेस हम लोग का बचा कितना पाँच लीटर तो जो टोटल होता है उसको नीचे लिखेंगे और उसमें से बचा कितना जीरो पॉइंट टू फोर ए इतना चीनी है ठीक है पाँच लीटर में से इतना चीनी है ये बन गया फ्रैक्शन इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में हंड्रेड हो जाएगा नीचे ये ये कैंसिल हो जाएगा फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा तो फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा चार पूर्णांक चार बटा पाँच प्रतिशत और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स देखिए इसमें दिया गया है किसी राशि में से दस प्रतिशत घटाव करके और फिर शेष में से बीस प्रतिशत घटाव करके इतना बच जाए तो मूल राशि क्या थी तो इस क्वेश्चन का हम दो ट्रिक बताने वाले हैं ठीक है तो एक पहला मेथड जो हम बताएंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो उसी मेथड को पहले यूज करते हैं ठीक है दोनों ट्रिक है और दोनों ही ट्रिक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा इसमें देखिए किसी राशि में तो राशि हम लोग एक्स मान लिए ठीक है मूल राशि क्या थी यहाँ पे राशि बोला गया है क्लियर तो राशि हम लोग एक्स मान लिए तो किसी राशि में से दस परसेंट घटाव के बाद तो कोई भी चीज रहता है हंड्रेड परसेंट रहता है हंड्रेड परसेंट में से अगर दस परसेंट घट जाएगा तो कितना हो जाएगा नाइन्टी बचेगा किस में से हंड्रेड में से ठीक है फिर शेष में से बीस परसेंट घट जाए जब शेष का यूज किया जाएगा तभी इस प्रोसेस का यूज करेंगे हम लोग अगर शेष यूज नहीं करता तो डायरेक्ट ऐड कर देते बीसो दस तीस परसेंट डायरेक्ट करके यहां पे लिख देते हैं क्लियर लेकिन शेष का बोलेगा तो हम लोग इसी वे में आगे बढ़ेंगे देखिए फिर से समझिए किसी राशि में से तो राशि एक्स मान लिए दस परसेंट घटाओ तो दस परसेंट इसमें कम कर देंगे घटाओ मतलब कम कर देंगे तो दस एक सौ में कम करेंगे तो नाइन्टी हो जाएगा नाइन्टी बाई हंड्रेड फिर शेष में से 20 परसेंट घटाओ तो शेष में से क्या करेंगे 20 परसेंट घटाओ 20 परसेंट घटाओ मतलब क्या 100 में से 20 को कम करिए तो हो जाएगा 80 बटे में 100 करके इतना बच जाता है कितना बच गया 360 बच गया तो मूल राशि क्या थी तो मूल राशि हम लोग क्या माने हैं एक्स तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी और ये सब हंड्रेड जो है उधर चल जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा मल्टीप्लाई में और ये सब नीचे में आ जाएगा अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा फोर का टेबल में ये नाइन का टेबल में ये फोर बार में फोर का टेबल में ये ट्वेंटी बार में अब ट्वेंटी का टेबल में ये फाइव बार में फाइव इंटू हंड्रेड हो जाएगा फाइव हंड्रेड तो एक्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं देखिए इसका सेकेंड मेथड इसमें बोला गया कि किसी राशि में से दस परसेंट घटाओ के बाद तो राशि को हम लोग एक सौ मान लेंगे अब उसमें दस परसेंट घटाओ तो इसका दस परसेंट हो जाएगा दस क्लियर है किसी चीज का दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट देते हैं जैसे एक सौ है इसका दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं इसका दस परसेंट दस हो गया जैसे दो सौ का दस परसेंट निकालेंगे तो पॉइंट एक के बाद पॉइंट दे देंगे तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं इसका दस परसेंट हो गया बीस क्लियर है इसी तरीके से हम लोग बॉल बना सकते हैं क्वेश्चन को तो अब देखिए दस परसेंट इसका दस हुआ इसको क्या करेंगे घटाने के बाद तो घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का नब्बे अब फिर शेष बच गया इतना नब्बे अब शेष में बीस परसेंट घटाओ तो इसका बीस परसेंट निकालेंगे तो जैसे हम लोग दस परसेंट निकाल सकते हैं एक के बाद पॉइंट देंगे तो दस परसेंट निकल के आ जाएगा दस परसेंट कितना हो गया नौ क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं तो दस परसेंट अगर नौ तो बीस परसेंट कितना उसका जस्ट डबल तो नौ और नौ अठारह हो जाएगा बीस परसेंट क्लियर है तो इसको घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा बहत्तर क्लियर तो घटाव करके इतना रुपया बच जाए लेकिन हम लोग का बच कितना रहा है बहत्तर और बच कितना रहा है एक्चुअल में तीन सौ साठ तो बहत्तर का ही वैल्यू है वो तीन सौ साठ तो हम लोग लिख सकते हैं सेवेंटी टू इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी तो मूल राशि क्या थी तो मूल राशि को हम लोग हंड्रेड माने हैं तो जो हंड्रेड का वैल्यू होगा वही हम लोग आंसर हो जाएगा तो हंड्रेड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से तो हो जाएगा थ्री सिक्सटी ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा अब देखिए थर्टी सिक्स का टेबल में ये कट जाएगा टेन बार में और थर्टी सिक्स का टेबल में ये कट जाएगा टू बार में अब टू का टेबल में ये फाइव बार में फाइव इंटू हंड्रेड हो जाएगा फाइव हंड्रेड और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन देखिए इसमें दिया गया है बीस का तीस प्रतिशत प्लस तीस का बीस प्रतिशत क्या होगा ठीक है तो बीस का तीस प्रतिशत हम लोग इजीली निकालेंगे थोड़ा ट्रिक को समझिए बीस लिख लेते हैं इसका तीस परसेंट कैसे निकालेंगे देखिए तो दस परसेंट निकालने का ट्रिक हम नाइन्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में समझाए जैसे वैसे निकालेंगे तो देखिए दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं दस परसेंट हो गया दो तो तीस परसेंट कितना हो जाएगा इसका तीन डबल दस परसेंट दो फिर बीस परसेंट चार फिर तीस परसेंट छः हो जाएगा या फिर डायरेक्टली थ्री से मल्टीप्लाई करिए दस परसेंट निकल गया दो तो तीस परसेंट दस ता तीस इसलिए दो तीया छः तो दस तीस परसेंट हम लोग का निकल के आ गया छः डायरेक्टली फिर प्लस में तीस का बीस परसेंट तो तीस का बीस परसेंट बोला गया है तो दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं तो दस परसेंट तीन तो बीस परसेंट कितना हो जाएगा तीन तीन छः हो जाएगा तो छः और छः बारह हो रहा है तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग का बारह ठीक है इतना आ गया अब ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को सारा को सॉल्व करना पड़ेगा तो देख के हम लोग बता सकते हैं बारह हम लोग को आना चाहिए जैसे कि हम लोग का यहाँ पर बारह आया तो ये सब में जिसमें बारह आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा देखिए छह सौ का दस परसेंट तो खुद सोचिए इसका दस परसेंट निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा छः सौ इसका दस परसेंट निकालेंगे तो एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो दस परसेंट इसका साठ आ रहा है जबकि आना चाहिए बारह तो ये वाला तो होगा नहीं इसका निकालते हैं बारह सौ का दस परसेंट तो दस परसेंट के लिए एक के बाद पॉइंट पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो एक सौ बीस हो जा रहा है तो इसका भी नहीं होगा इसका निकालेंगे एक परसेंट तो देखिए दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट देते हैं और सौ परसेंट निकालने के लिए दो के बाद पॉइंट देते हैं तो ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना है ठीक है दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट और सौ परसेंट निकाल एक परसेंट निकालने के लिए दो के बाद पॉइंट ठीक है दस परसेंट निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट और एक परसेंट निकालने के लिए दो के बाद पॉइंट तो दो के बाद पॉइंट दे देंगे तो एक परसेंट निकल के इसका आ जाएगा तो एक परसेंट हो रहा है अच्छे तो ये भी नहीं होगा अब बारह सौ का एक परसेंट देखेंगे बारह सौ है इसका एक परसेंट निकालेंगे तो एक परसेंट निकालने के लिए दो के बाद पॉइंट तो पॉइंट के बाद कोई जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो एक परसेंट कितना हो गया बारह तो जो कि बारह के बराबर है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट देखिए इसमें दिया गया है आठ परसेंट स्टॉक में इतना रुपया लगाने पर संदीप को एक सौ पैंतीस रुपया वार्षिक आय होती है तो एक सौ रुपया के स्टॉक का मूल्य क्या है तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टॉक से रिलेट करता है ठीक है स्टॉक चैप्टर से रिलेट करता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे तो इसको समझिए कि स्टॉक आखिर होता क्या है स्टॉक मतलब होता है पूंजी ठीक है जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ठीक है या फिर सिंपल वे में अगर हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को सिर्फ समझने के लिए आप लोग समझिए ठीक है आठ परसेंट स्टॉक का मतलब क्या इसको समझ गए तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आठ परसेंट स्टॉक का मतलब है कि एक शेयर ठीक है एक शेयर को एक शेयर का लाभ हो हो जो होगा आठ रुपया होगा और कब लाभ होगा एक साल का लाभ एक शेयर का एक साल में आप लोगों को आठ रुपया लाभ मिलेगा आठ परसेंट स्टॉक का मतलब यही हुआ ठीक है आठ परसेंट है तो आठ रुपया लाए लाभ अगर दस परसेंट होता है स्टॉक तो दस रुपया लाभ दस रुपया लाभ कब होता एक साल में होता और कब कितना का एक को शेयर का लाभ होता है इतना क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब ये वाला समझ में आ गया अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो इजीली सॉल्व होगा अब देखिए आठ परसेंट स्टॉक में इतना रुपया लगाने पर संदीप को इतना रुपया की वार्षिक आय होती है मतलब एक सौ पैंतीस रुपया का लाभ हो रहा है कब जब एक सौ सोलह बीस रुपया लगाया ठीक है मतलब सोलह बीस रुपया का लगाया तब कितना लाभ हुआ एक सौ पैंतीस रुपया का लाभ हुआ एक सौ पैंतीस रुपया का लाभ हो रहा है कब जब उसने सोलह सौ रुपया लगाया ये क्या हो रहा है एक सौ रुपया का लाभ हो रहा है अब हम बताए थे कि आठ रुपया का लाभ हो रहा है आठ परसेंट स्टॉक का मतलब क्या आठ रुपया का लाभ हो रहा है क्लियर एक साल में लाभ हो रहा है एक साल में और एक शेयर एक, एक का ठीक है एक साल में लाभ हो रहा है आठ रुपया का इसका मतलब यही है तो आठ रुपया का लाभ करने के लिए उसको कितना लगाना पड़ेगा वो निकल के आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है इतना रुपया का लाभ के लिए इतना रुपया लगाया तो आठ रुपया का लाभ के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा वो निकाल लेंगे और आठ रुपया का लाभ के लिए हम लोग क्यों निकालेंगे क्योंकि आठ परसेंट स्टॉक मतलब आठ रुपया का लाभ हो रहा है एक साल में क्लियर है तो वही हम लोग निकालेंगे तो सोलह सौ बीस एक सौ पैंतीस ये नीचे चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा सिंपल सा कैलकुलेशन है ये इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग ठीक है तो देखिए ये एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा मतलब डिवाइड का रूल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ मेरे चैनल पर जाइएगा तो डिवाइड रूल आपको समझ में आ जाएगा इसमें देखिए ऐड करेंगे छः दो आठ और एक नौ मतलब नौ हो रहा है मतलब नौ का टेबल में ये कट जाएगा पाँच तीन आठ और एक नौ ये भी नौ का टेबल में कट जाएगा तो नौ का टेबल में जब दो, दोनों कट रहा है तो काट लीजिए तो देखिए नाइन वन जै नाइन बच गया फोर बच गया नाइन फाइव जब फोर्टी फाइव हो जा रहा है नाइन का टेबल में इसको काटिए नाइन वन जै नाइन ठीक है फिर बच जाएगा सेवन बच जाएगा तो सेवेंटी टू हो जाएगा नाइन एट जो सेवनटी टू एक जीरो अब फिफ्टीन का टेबल में डायरेक्ट काट दीजिए फिफ्टीन वन या फिफ्टीन थ्री बचा मतलब थर्टी हो गया फिफ्टीन टू जा थर्टी अब ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स अब ये जो नाइन्टी सिक्स रुपीज आया ठीक है यहाँ पे समझने वाला बात है नाइन्टी सिक्स रुपीज जो आया ये क्या होगा एक सौ रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना होगा ये जो पूछा गया है तो एक सौ रुपया के स्टॉक का मूल्य ही ये होगा एक सौ रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स क्योंकि जो ये वैल्यू निकल के आता है ठीक है वो एक सौ का ही स्टॉक का वैल्यू निकल के आ जाता है तो इसमें अब आप, आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एक का ही ये वैल्यू निकल के आ गया नाइन्टी सिक्स और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें जिसको डाउट हो रहा है जब स्टॉक का चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और बेटर क्लियर हो पाएगा ठीक है ये तो चैप्टर के बीच में दे दिया गया है परसेंटेज चैप्टर है और बीच में ये क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसको सॉल्व कराना ही था तो इसका आंसर हो गया नाइन्टी अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन देखिए इसमें दिया गया किसी संख्या का थर्टी फाइव परसेंट मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाना चाहिए ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसको हम दो तरीका से बताएंगे एक ट्रिक देखिए फिर इसका बेसिक तरीका देखेंगे तो ट्रिक ये है थर्टी फाइव परसेंट दिया गया है बस इसी से हम लोग का आंसर आ जाएगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए जो फ्रैक्शन होगा वही हम लोग का आंसर होगा थर्टी फाइव परसेंट को हटाएंगे तो हंड्रेड हो जाएगा ठीक है अब फाइव का टेबल में सेवन बार में थर्टी फाइव फाइव का टेबल में ये ट्वेंटी बार में तो सेवन बाई ट्वेंटी हो गया यही हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है तो सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकें अब इसको हम लोग बेसिक तरीका भी देख लेंगे तो देखिए इसका सेकंड मेथड देखिए इसमें हम लोग करेंगे किसी संख्या का 35 परसेंट मिलने के लिए ठीक है तो जो बोला गया उसको हम लोग करते हैं संख्या का 35 परसेंट मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाएगा तो संख्या को ठीक है हम लोग गुना करेंगे एक्स से ठीक तो संख्या का थर्टी फाइव परसेंट तब मिलेगा जब संख्या को हम लोग एक्स से गुना कर देंगे अब देखिए संख्या को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा यहां पे एक्स तो कर दिए इसको हम वाई कर देते हैं तो वाई का थर्टी फाइव परसेंट को हटाएंगे तो हंड्रेड हो जाएगा इज इक्वल टू तो संख्या को हम लोग वाई किए हैं इन टू एक्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो किससे गुना किया जाना चाहिए तो एक्स से गुना किया जाना तो चाहिए तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए ये वाई इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा क्या हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना थर्टी फाइव बाई हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स तो इसको काटेंगे तो फाइव का टेबल में सेवन बार में फाइव का टेबल में ट्वेंटी बार में तो सेवन बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हैं जो कि हम पहले बता दिए तो इसका आंसर हो जाएगा सेवन बाई अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देखिए इसमें दिया गया है आनंद अपनी आय का सेवेंटी खर्च करता है तो मान लेते हैं उसका आय जो है एक है अब वो खर्च कितना कर रहा है तो 75 परसेंट तो 100 का 75 फाइव परसेंट सेवेंटी ही हो जाएगा मतलब पचहत्तर रुपया वो खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा तो बचत करेगा ट्वेंटी फाइव रुपीज़ अब देखिए क्या हो रहा है यदि उसकी आय में 20 परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है वृद्धि होती है वृद्धि मतलब क्या उसका आय बढ़ जा रहा है तो आय हम माने एक सौ ये क्या है आय है उसका इनकम है ये क्या हो रहा है बीस बढ़ रहा है तो इसका बीस परसेंट हो जाएगा और बीस बढ़ रहा है तो एक हो जाएगा ये एक हो जाएगा ये सब रुपया में है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अब देखिए इसमें कुछ बोला नहीं गया है मतलब खर्च और बचत में कोई चेंजेस नहीं किया है पहले जितना खर्च करता था अभी भी उतना ही खर्च करता है ठीक है तो मतलब परसेंट में पहले जितना खर्च करता था अभी भी उतना ही खर्च करता है तो पहले कितना खर्च करता था सेवेंटी फाइव परसेंट तो अभी भी सेवेंटी फाइव परसेंट ही खर्च करेगा ऐसा नहीं कर दीजिए कि सेवेंटी फाइव रुपीज यहां पर है तो यहां पे भी सेवेंटी फाइव रुपीज ऐसा नहीं सेवेंटी फाइव परसेंट पहले खर्च करता था तो अभी भी सेवेंटी फाइव परसेंट ही खर्च करेगा तो इसका सेवेंटी फाइव परसेंट हम लोग निकाल लेंगे साइड में तो एक सौ बीस का पचहत्तर बटा सौ कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव का टेबल में थ्री बार में ये फोर बार में फोर का टेबल में ये थर्टी बार में थर्टी इंटू थ्री हो जाएगा नाइन्टी मतलब नाइन्टी रुपीज़ खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना थर्टी रुपीज़ क्योंकि एक सौ बीस में नाइन्टी रुपीज़ खर्च कर देगा तो बचेगा तीस रुपया तो वही पूछा गया है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो बचत देखिए पच्चीस था अभी तीस हो गया कितना बढ़ा पाँच बढ़ा और ये परसेंट में पूछा गया है पाँच बढ़ा कितना से बढ़ा पहले पच्चीस था फिर नातीस हुआ तो पच्चीस से बढ़ा पाँच ठीक है पच्चीस था फिर बढ़ा पाँच बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि नीचे वाला से लेके कर देता है ठीक है तो गल, गलत हो जाएगा था कितना पच्चीस था उसमें से ना बढ़ा पाँच तो पच्चीस में से पाँच बढ़ा इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई फाइव का टेबल में ये फाइव बार में और फाइव का टेबल में ये ट्वेंटी बार में तो ट्वेंटी परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 देखिए तो इस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वाचिंग